कहानी नंबर 133, संस्कार। एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी। बहन जब भी मायके आती, सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं यह बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू बोला, आज नहीं, फिर कभी। दोस्तों ने कहा, अरे तू तो शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया हो। चंदू बोला, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से का कमा लेता था। अब दो पेट हैं आज, कल और हो जाएंगे। घर वाले मुझे नालायक कहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। दोस्तों, कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप के साथ रहने से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। माँ ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई पकड़कर उसे भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होगा, साइन करना पड़ेगा। चंदू बोलता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। बहन बोलती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भैया मिले हैं। माँ बोलती है, अरे चंदू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू के लिए पुस्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंस करके बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू बोलता है, अच्छा अच्छा, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, और तू। चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है, क्यों चंदुनी जी, क्या मैंने गलत कहा। चंदुनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़ करके अपने गंवार भैया से गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। इस पर चंदू कहता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, मगर
फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई और हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव मैंने इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोक है जहाँ हमने साथ साथ नौ नौ महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं ही रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़ करके मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं कि आज तो तू सच मुझ का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, एक बार सोचना कि हम क्या से क्या हो गए हैं। एक वो दौर था जब पति भाभी को आवाज लगाकर अपने घर आने की खबर पत्नी को देता था। पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करती थी। बाऊजी की बातों का हाँ बाऊजी, जी बाऊजी के अलावा जवाब नहीं होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया है, रिश्तों का केवल नाम रह गया है। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। बीवी को तो दूर, बड़ों के सामने हम अपने बच्चों तक से नहीं बात करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं पर सिर्फ बीवी से ही बतियाते रहते हैं। दादू के कंधे मानो पोतों पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। काका जी ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू ओल्ड एज होम की पहचान है और काका जी बस रिश्तेदारों की सूची का एक नाम है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। ताऊ जी आज सिर्फ पहचान बनकर रह गए और छोटे भाई के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए। दादी जब बिलौना करती थी, बेटों को भले ही छांस दें पर मक्खन तो केवल पोते पोतियों में ही बढ़ता था। दादी के बिलौने ने पोतों की आस छोड़ दी, क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ दी। राखी पर बुआ जी आती थी, घर में नहीं मोहल्ले में फूफा जी को चाय नाश्ते पर बुलाते थे। अब बुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर आते हैं। किसी और को उनसे मतलब नहीं, चुपचाप नया नीर बरसाकर वो भी चले जाते हैं। शायद मेरी इस वीडियो का कोई महत्व ना हो और कोई असर ना हो, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की, हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। अंग्रेजी ने अपना स्वांग रच दिया, शिक्षा के चक्कर में हमने संस्कारों को ही भुला दिया। वैसे बालक की प्रथम पाठशाला परिवार व पहला शिक्षक उसकी माँ होती थी। आज परिवार ही नहीं रहे तो पहली शिक्षक का क्या काम। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें तथा इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने ये वीडियो अंत तक देखा और अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगाया, अतः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।